मैं वेलकम कहता हूं आज की इस वीडियो में। व्यूअर्स, आप अपने जैस कैश अकाउंट का लिमिट कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करनी है ताकि मैं आपको तमाम तरीक़ेकार समझा सकूं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो हम आ चुके हैं अपने जैस कैश अकाउंट में। यहाँ पर हमने सबसे पहले लॉगिन करना है अपने जैस कैश अकाउंट। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का तरह से आप अपने जैस कैश अकाउंट का लिमिट चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने ओपन क्लिक करना है माई अकाउंट पर। जैसे ही हम यहाँ पर माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे, इसको करेंगे ओपन, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हम माई अकाउंट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट लिमिट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, अकाउंट स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट, पेमेंट रिक्वेस्ट। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे अकाउंट लिमिट। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर अकाउंट लिमिट में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंडिंग लिमिट 25,000 रुपये और रिसीविंग लिमिट 25,000 रुपये। मैं ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स कर चुका हूँ, यानी कि पैसे भेज चुका हूँ और रिसीव कर चुका हूँ, वो तमाम मेरे सामने यहाँ पर आ चुके हैं। इसी तरीक़ेकार से आप लोगों का भी अकाउंट में इसी तरीक़ेकार से आपका डेली की ट्रांजेक्शन लिमिट की जो हिस्ट्री है वो इस तरह कुछ शो होगा। तो आप लोगों ने इसी तरीक़ेकार से अपने अकाउंट लिमिट को चेक करना है ताकि आपको मालूम हो जाए कि आपका लिमिट पूरा है कि नहीं। तो ऐसे ही जैस कैश अकाउंट की मालूम तो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में बने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।